इसके सिलो आपका स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। तो मेरा कज़न ना पतंग उड़ान जा रहा है और मैं भी जाऊंगा अभी अभी। तो मैं चाची घर के फ्लोर पे हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे मैं जाऊंगा। मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने अपना होम टूर दिया है, उसमें ना बहुत हंसी आई आपको। तो अभी ना मेरी सगी बहन है ना वो ना मेरे कज़न को बुलाने लेने गई है। तो अभी हम छत पर चलते हैं, हम चलते हैं छत पर। तो देख सकते हो ये मेरा एक भुआ का लड़का है और ये है दक्ष, ये है दक्ष का और ये हमारा मांझा है। अभी तनिष का और ड्रिसी ना आ रहे हैं अभी। तो ये देखो पतंग बैंटन की और ये देखो सद्दी भी की है। किसकी सद्दी? ये तो तनिष का की सद्दी है ना, पांच कागज की चार पन्ने तनिष का की सद्दी है। चल जो भी हो, तो अभी देखते हैं सब पतंग उड़ेगी या नहीं या फिर हवा ही नहीं चलेगी। तो गाइस देख सकते हो वहाँ पे ना वो मन रहा है ना घर में ताऊ जी का, वो लगते हैं मेरे ताऊ जी। और ये देख सकते हो दृष्टि आ गई है और ये तेज का पतंग क्या खिलौना लेके आई है, इसका नाम नहीं पता ना मेरे को। देखो भाई, तो गाइस मैं ना कल ना स्केल लाऊंगी वो ऐसे मारते ना, इसका यूट्यूब चैनल लगाई बट अभी इसने वीडियो अपलोड नहीं करी है तो इसका सर्च करने पे नहीं आएगा गाइस। तो गाइस मेरे हाथ में दर्द हो चुका है लिटरली। गाइस टेप पकड़ाना मेरे को, टेप देखो गाइस हमारे पास टेप भी है, देख सकते ये भी काम की। तो गाइस हमारी पतंग इधर साइड उड़ने वाली है इस घर के ऊपर और मान जाते हैं ये हमारे ताऊ का घर बन रहा है, ताऊ जी का घर बन रहा है हमारा। ये सबसे बड़ी घर है हमारा। और यहाँ पे देखो एक तिरंगा एक ये इस टावर पे और यहाँ पे एक और दूसरा टावर जिसपे एक तिरंगा है और यहाँ पे एक और टावर है। और गाइस जो मेरा ये बुआ का लड़का है इसका भी चैनल है, इसके चैनल पर भी सब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल पर 10,000 लाइक हो जानी चाहिए। और चैनल का नाम दे रहे हैं हाँ तो सब्सक्राइब कितना हो जानी चाहिए, हाँ तो सब्सक्राइबर 70 हो जानी चाहिए। अरे नहीं गाइस फिर वीडियो कैसे देखी है? ये भी बात सही है, इसमें ना गाइस बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। अभी हम आपको दिखाते हैं हमारे सामने घर में कंपनी है जो कि सीडीओ की कंपनी है। अरे वो तो मैंने दिखा दिया गाइस, ये जो ब्लू कलर का घर देख रहे हो ना आप है ना, आपको दिख रहा होगा ये ना मेरे चाचा का घर है जैसे। और आप ये देखो कितनी बड़ी टंकी है, कितनी सारी चिटकनी है। आधे आधे को तो नहीं पता, ये ना मेरे अरे रुक जाने, ये ना मेरे ताऊ जी का घर है सामने वाला। अरे देखो ये ना मेरे ताऊ जी का घर है जो कि एक फ्लोर सबसे नीचे वाला फ्लोर होता है ना ग्राउंड फ्लोर, वो ना ताऊ जी ने ले रखा है और बाकी सब किराए पे है। कुछ ऐसा चैनल का नाम है इसका, किस चीज की वीडियो डालता है मिक्स वीडियो डालते है। अरे 2 मिनट रुक, और ये वो मैंने दिखा दी गाइस, ये देख रहे हो ये ना इतना बड़ा फ्रिज है इसमें से आवाज भी आ रही होगी। ये दरअसल गाइस फ्रिज नहीं है, ये टावर का है बीच चूहे पर। क्या कह रहा है गाइस, ने घर में 20 चूहे मरे पड़े हैं, 20 चूहे कुछ ज्यादा हो गया गाइस। आप लगाएंगे पूछ, ये गाइस पूछ बांध लो हां। तो गाइस अब मैं मतलब आपको सारे घर के बारे में बताऊंगी, मतलब कि किस किस का घर है, जो मैं जानती हूँ उनको तो बता देती हूँ, अगर जो मैं नहीं जानती उनका मैं नहीं बताने वाली। ये हमारा ही घर है जो अब मैं जिससे ऑलरेडी हमारा ही घर होगा। और ये ताऊ जी का घर है, मतलब सगे ताऊ जी का नहीं और ताऊ जी लगते हैं, हाँ ताऊ जी लगते हैं। और वहाँ पे एक ब्लू कलर का घर है जिसपे ब्लू पेंट हो रखा, देख ही सकते हो कि वो वाला, तो वो वाला चाचा का घर है, मतलब मेरे बाबा और उन मतलब उस घर के बाबा वो दोनों भाई हैं, तो मैं जानती हूँ। और वहाँ पे ये
जी का घर है, ताऊ ताऊ जी का घर है। ग्राउंड फ्लोर आपको गाइस पता होगा ना, वो ना उन्होंने ले रखा है ताऊ जी ने। मैजिक बाकी पूरा गाइस मैजिक देखो, मैजिक देखो, ये चूड़ियां ठीक है। चूड़ियां कहां से है गाइस? ये खुद बना रही है गाइस। इसकी हालत देख रहे हो, इसको 5-6 दिनों से हम बैठे भी इसमें साफ किया तब भी इतनी जंगी वो हो रखी मिट्टी, और यहाँ का तो वही उड़ा दिया हमने। वो होते हैं ये पढ़ने की टेबल है, मतलब स्टडी टेबल है एक तरह से, मान लो स्टडी टेबल। मैं ज्यादा इंग्लिश नहीं बोलती, इतने क्या कहते हैं इतने पतंग की कमी है वो हो जाती है, तो हम इतने पौधे दिखा देते हैं। बहुत अच्छा पेड़ है इसको, कौन सा पेड़ बोलते हैं इसको, कोई सा बोलो। और ये देख लो एलोवेरा, एंड ये मतलब ब्रिंजल्स, ब्रिंजल्स पेड़ पौधे कम हो गए इसमें, ये वही है मतलब किसी का भी हो। बट वो देखो बैंगन हो रहा, बैंगन हो रहा, देखो देखो बैंगन ये रहा, स्मॉल बैंगन देखो, स्मॉल बैंगन ये देखो, एक ये रहा, दूसरा का ये रहा दूसरा। तो गाइस मैं अपने घर में ये बैंगन, ये एलोवेरा जो कि सूख चुकी है। गाइस आपको एक चीज दिखाऊं, मस्त थी, आ जाओ। चलो गाइस चाहते इस तरह दूसरे पार्ट की तरफ, एलोवेरा देखो गाइस ये उड़ा रहे पतंग, देखो गाइस यहाँ पे फूल उगने वाले, यहाँ पे पेड़ पौधे वहाँ पे लगते हैं, मैंने आपको होम स्टे में बताया था। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे ये पेड़ पौधे, यहाँ पे ये है, ये मिर्च का पेड़ है, ये दोनों ना सूख चुके पता नहीं कैसे, ये तुलसी है। तो गाइस अब ये देखो ये पतंग उड़ा रहे हैं, इनका पतंग उड़ाने का तरीका देखते हैं। हाँ हाँ बस तोड़ रही, जल्दी करो जल्दी उड़ाओ ज्यादा। तो गाइस ये इनकी पतंग, अरे पतंग का गए क्या ब्रो, साइन जा यार पीछे आ जाओ मेरे, तुम 2 सितंबर 2020 से रखूंगा ठीक है। अरे रुक जा ना लो गाइस, हम इसको रखेंगे इसका, देखो गाइस इस तरफ सन आ रहा है तो इस तरफ हम नहीं देख सकते, तो अभी हम देखते ही करेंगे, मतलब जो कि उड़ने लग रही है जिस तरफ हवा चलेगी उस तरफ से। मैंने कल ना इसके लांगी जो एसएमआर के वो नहीं हो जाता बन जाते हैं वो, ओ ओए ओए ओ मांजो खड़ा करो, मांजो खड़ा करो, मांजा खड़ा कर, खड़ा कर, हां हां भाई ना क्यों गिर गए भाई गाइड, ये हमारे हो रहे हैं काइट, ये काइट गाइड ने भी जान दे रहे हैं, देख लिया पता कहां जा रही है दक्ष गाइड में डंडी फेंकने वाला जो कि मेरा कजन, मतलब भाई है कजन है, और ये मेरा छोटा भाई है। तो गाइस को मेरे को एक चीज दिखानी है इसको, तो गाइस देख रहे हो इतने सारे कौवे उड़ रहे हैं, ये गाइस ये भी नया बना है जिस पर कौवे बैठे हैं दिन के। और गाइस मैं आपको एक और बात बता देती हूँ गाइस, जो वो वाला घर दिख रहा है सबसे बड़ा, देख ही सकते हैं उसको हम ग्रो हाउस बोलते हैं, उस पर इतने सारे ग्रो बैठते हैं, इतने सारे ग्रो बैठते हैं, बहुत सारे ग्रो बैठते हैं, इसलिए हम उसको ग्रो हाउस बोलते हैं। गाइस ये दक्ष की पतंग दिखा रहा हूँ मैं आपको, अरे कहाँ गई चुकी आसमान में, ओ बैंटन 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 उड़ चुका है अब। गाइस अभी तो छोटा दिख रहा है, मैं आपको जूम एक्स करके दिखाता हूँ, अरे कितना धुंधला आ रहा है गाइस, तो देख सकते हैं ये पतंग उड़ाता हुआ दक्षु कैसे खेच रहा है, देख सकते हो पतंग उड़, थोड़ी जूम एक्स कर लेता हूँ, लेकिन गाइस ना धुंधला आ रहा है, पता नहीं कैमरा चेक कर तुम साफ कर रहा हूँ गाइस, काला काला आने वाला, तो देख सकते हो, और थोड़ा देखते हैं जूम एक्स, हाँ अब साफ हुई है जूम एक्स गाइस, अरे गंदा होगा तो गाइस दोबारा जूम एक्स से साफ करता हूँ। अब देखते हैं गाइस कहाँ गई ये पतंग गाइस, अब से ढंग से दिख रहा है, अब पतंग को देख रहे हैं गाइस कैसे उड़ रही है। गाइस पतंग तो बहुत मस्त हो गई है, आप लाइक भी करते रहें, करते रहो जितने कर सकते हो गाइस उतने करो, और सब्सक्राइब करना मत भूल जाना गाइस, फिर मैं अच्छे व्लॉग नहीं बना पाऊँगा, जितना आप लाइक सब्सक्राइब करोगे सपोर्ट करेगा उतना ही मैं अच्छे व्लॉग बना पाऊँगा, मैं स्टैंड मंगा लूँगा, अभी तो मैं हाथ से बना रहा हूँ। आपको एक बता देती हूँ, ये जो पाइप दिख रहा है आपको ये हमारा झूला है, एक तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ, इस पे गाइस हम झूलते रहते दिन भर, हवा चल रही है किधर गाइस, हवा की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, दक्षु बता रहा है किसने कहा डर सा लगता है, तब तो और मजा आते गाइस, ऋषि मांगे ले पेड़ एक बार भाई,
गाइस मेरा भुआ का लड़का कह रहा है कि जब ये फड़ फड़ करती है पतंग ऐसे लगता है कि फट जाती है, लेकिन मेरे को तो इसी में ही मजा आता है, इसी में ही मजा आता है। तो गाइस मेरे को कैमरा बार बार साफ करना पड़ रहा है, लोग देख सकते हो गाइस। कागज की पतंग, हाँ कागज की पतंग बढ़िया लगती है, है ना भाई? लगती है लेकिन उड़ती ना, मेरे ढंग का क्योंकि तेरा उसके बाद नहीं उड़ानी, मजाक कर भाई। यू बेफालतू उड़ा रखा था मैंने, तो ये तो पन्नी क्या है? आप देख ही सकते हो ड्रेस तू पकड़ लेने यार। तो गाइस आप देख ही सकते हो कि फोन में कितनी छोटी सी लग रही है ये, बट ये अभी बहुत नीचे है, अभी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया, पास है। और गाइस अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ कितने। और गाइस अभी ये पता मतलब बताने, कभी उस तरह जा रही कभी इस तरह, अभी गाइस ये टावर लगा दिए हैं, तो इसलिए अब टावर मतलब पतंग क्या कहते हैं पतंग अभी नीचे उतार रहे हैं। वैसे बहुत ऊपर उड़ गई है क्योंकि ना मतलब पहले उड़ती नहीं थी इतनी ऊपर, और देख सकते हो क्या लहरा रही है। और गाइस अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अब हम पतंग उड़ाने वाले हैं इसलिए मैं व्लॉग बंद कर रही हूँ, तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे व्लॉग बंद मत करें अभी, अरे नहीं ज्यादा बदले ठीक है।